सभी भाई, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हम देहरादून गाड़ी से जा रहे हैं। अभी हम लोग है कश्मीरी गेट होके जाएंगे। ये कौन सा जगह है भाई? सिग्नेचर ब्रिज आने वाला है। अच्छा, हाँ सामने है सिग्नेचर ब्रिज। ये इसमें लिखा हुआ है वजीराबाद ISBT। ISBT की तरफ जा रहे हैं हम लोग। किसी एक रिलेटिव को भी उठाना है वहाँ से। हम 3 आदमी जाएंगे, कुछ काम है। ये है यहाँ का ब्रिज। मुंबई में अभी तक ऐसा ब्रिज बना नहीं है, राउंड वाला। हाँ एक है लेकिन छोटा है, बंद्रा रिक्लेमेशन में ऐसा राउंड वाला, बहुत सुंदर लगता है। इधर भी है तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत बड़ा है, अच्छा है। उधर भी ब्रिज बना है मेट्रो का, बहुत बढ़िया। दिल्ली में जमीन है, ये है दिल्ली की कॉलोनिया। सारे के ऊपर पानी का टंकी लगा हुआ है, बाप रे। और बीच में ये नदी है, ये जमुना है, ये चल रहा है ना, ये नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है जमुना के ऊपर घर से वो हो रहा था, ज्यादा पड़ेगा। अच्छा 270 का। चलो ये जमुना, ये देखो अक्षरधाम आ गया। ये कितना सुंदर है, एक ही बार आया था। वाओ, मैं फिर से आऊंगा इस बार बाइक लेके घूमने। बड़े ये पूरा किसानों का आंदोलन का बैरिकेड है, ये पूरा नजर नहीं आ रहा है किसान। आगे होंगे ना, वो पार्ट बाय पार्ट करके रखा है। नहीं नहीं है, पार्ट बाय पार्ट करके होगा। आगे तो कोई इनका जगह नहीं है, आगे जगह नहीं है, यही थी लेकिन एक भी नहीं है। यूपी वाले सपोर्ट नहीं कर रहे इनको, पंजाब वाले। हां वाले अलग हो गए इस बार, है ना, होना ही है ना। टिकट टिकट आते हुए ना हरिद्वार से कर लेंगे वापसी। हां पड़ता है, सुंदर नजारा है खेत का। ये टोलना का आ गया, मेरठ का, मेरठ का टोलना का। क्या बोलता है, काशी फी प्लाजा वेलकम यू, काशी है। यहाँ देखते हैं कितना समय लगता है, लेकिन मैं तो पूरा लाइन लगा रहा था यहाँ पे। तो सुबह सुबह है ना, सुबह सुबह खाली है। फास्ट टैग बंद होने वाले हैं, सुनने में आ रहा है यहाँ पे। तो वन टाइम कर लेंगे ना, वहाँ से फिर करो अपना, पहले कट जाए घर से निकल के। जीपीएस सिस्टम है भैया। हाँ जीपीएस करो, नहीं तो अंदर इंप्रूवमेंट होगी फास्ट टैग से। तो डोर स्कैनर रहेगा ना, उसी से हो जाएगा। इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए, बहुत टाइम लगाता है स्कैन का। पहले मैं करता ना, लेट आता है, गिर गया था ये। गाड़ी कैसे चलाते हैं? हाँ उधर से घुस गया, कोई मार दिया। जैसे जैसे घुसता है होगा। अभी देहरादून कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। जैन सिकान जी कूलर का चाय पीने खड़ा है। कूलर का चाय बना रहा है क्या? अच्छा कैसे बन रहा है भाई? पहले का बना हुआ गरम कर रहे हो या कुछ बना रहे हो? कूलर का चाय कहाँ, कूलर का है?
और उसमें खाली डाल दोगे जी, गरम गरम चूल्हा और इसमें डाल दोगे तो हो जाएगा, गरम करने का जरूरत नहीं है। चूल्हा गरम होगा। अच्छा गरम करोगे ना। ये पीछे शायद माजना पड़ता है, इधर चवारी खड़ा होगा, दोनों के बीच में देहरादून रोड है। ये हाईवे है, ये चाय का कूलर है, ये सामने गार्डन बना हुआ है, फिर ये बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, द किंग ऑफ हाईवे। अच्छा बना हुआ है, एसी एसी का। अभी तो गर्मी नहीं है इसलिए ठंडा में ठंडा है, इसलिए धूप में चाय पी रहे सब, हम भी पिए लोग भी पिए। इनने पकौड़ा ही पकौड़ा है। अच्छा आगे भी है, अभी 10-12 गया, अभी ये भी है पकौड़ा। अरे पूरा पतल रहा है पकौड़ा तो। ये कौन सा जगह है? बिहारी का। अरे बाप रे बाप, सही में। और आगे भी होगा। हाँ तेल कितना खाते हैं, अंडा भी पूरा जबरदस्त है। हाँ ये भी पकौड़ा वाला है, पूरा पकड़ा। हाँ पकड़ा, ये भी है, ये भी है। ना 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 ना, ये ठंडा हो जाएगा फिर। हाँ जहर है, कितना तरह टाइम से उसी तेल में वो भून रहे हैं। हाँ पहुँच गए। यहाँ पे पूरा कोई फॉग वॉग कम है, यहाँ पे एकदम क्लीन हो गया देहरा। इधर है एसबीटी का सेट ना, आगे ही है इसका। टैकलॉप तो हो रहा है, 6 वो है उसके, 6 सा हेक्सागोनल है। हाँ हेक्सागोनल। अच्छा ये है देहरादून का क्लॉक टावर। हाँ जी। वाह कैसा है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कृष्णनगर चौक, किशनगर चौक लिखा है। ONGC भी इधर ही, ONGC दोनों स्कूल। हाँ हाँ ये पहले सिनेमा हॉल, ये सिनेमा हॉल था पहले, ये दिग्विजय सिनेमा हॉल। अच्छा अब देखो क्या हालत हो रही है इसकी। कहाँ पर है ये सामने दिग्विजय सिनेमा हॉल। ये है क्लॉक टावर देहरादून का। ये यहाँ का GPO है, पोस्ट ऑफिस। हाँ यहाँ की मेन रोड है राजपुर रोड। ये कौन सा है, राजपुर रोड? अच्छा ये राजभवन, मुख्यमंत्री, सर्किट हाउस, सचिवालय, राजपुर, मसूरी, सर्वे चौक, शस्त्र, रायपुर, सब यहाँ से जाती है। सीधी सड़क मसूरी है, सामने मसूरी है, वो सामने पहाड़ मसूरी है। 30 किलोमीटर यहाँ से मसूरी बस। हाँ वाह, 1 घंटे का रास्ता, 2 घंटा। सेंट जोसेफ एकेडमी है, सेंट जोसेफ एकेडमी बहुत बड़ा ग्राउंड है, सबसे बड़ा ग्राउंड इसी का ही है। अच्छा कितना बढ़िया स्कूल है ये, इसमें यहाँ पे वो हॉल था, ये इसका एंट्री है। इसी का ही फिल्म में भी इसके ही आता है, इसने इन्होंने चोरा करके रखा हुआ है। मैक्स हॉस्पिटल मसूरी, यमुनोत्री। यमुनोत्री कितना दूर है? 200 किलोमीटर। आर्मी और भी का ये है, ये आर्मी कंटोनमेंट पकड़ा हुआ है इधर आर्मी। वो अच्छा है टपकेश्वर टेम्पल। सर्किट हाउस है उसका पीछे,
बंदर अपना जिंदगी बिता रहे हैं मजे से, पीछे पे जंगल ही जंगल है। हाँ बढ़िया, पीछे आ जाओ। ऐसा सुहाना दृश्य बहुत कम ही मिलती है। हम भी आराम से हैं, ये लोग भी आराम से हैं, अपना मस्ती बच्चे कर रहे हैं। देहरादून की लुक है, ये मॉल मल रोड है मसूरी के, पार्किंग नहीं मिल रहा है। बाप रे, इतना बड़ा गाड़ी इतना छोटा सा रोड से निकल रहा है। मिल्की राम्स एंड सॉन्स, दी एम्पीरियल स्क्वायर, और इधर पूरा होटल्स है। आगे जाके नाची गाड़ी मोटर लूटे, और सबसे अच्छा व्यू तो ये है, चंद्रमा चंद्रमा की व्यू दिखाई दे रही है यहाँ से, एकदम नज़दीक में है ऐसा लग रहा है। सॉरी से चंद्रमा की व्यू से सुंदर दिख रहा है। ये गाड़ियों का नाम नहीं पता, अब मसूरी पहाड़ों की रानी मसूरी में पहुँचे हैं। ये सेल्फी पॉइंट में जा रहा हूँ, इतना गाड़ी है बाप रे बाप, ऊपर जाना मुश्किल है। सोच रहे तो ऊपर जाऊंगा, ये सामने मॉल रोड है, ये मेन पॉइंट है, यहाँ से और ऊपर जाना था लेकिन पूरा ट्रैफिक जाम है। ये देहरादून का पॉइंट है, आपको दिखा रहा हूँ। तो नहीं पूरा हम लोग वो देहरादून से यहाँ तक आए हैं ऊँचा चढ़ के 6,000 फीट ऊपर। ये वेलकम होटल बाय ITC। देहरादून है, मनीष साहब है।